बिसमिल्लर अल्लाम मुझे उम्मीद है मैं तुम आम बिल्कुल ठीक होंगे आज अपने व्ययर्स के साथ बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ खुशबूदार नरम और जायके में भरपूर और जूसी चिकन से कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बनाने में बहुत आसान होते हैं इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती हैं कि इतने ये खुशबूदार होते हैं अंगीठी लगाए बगैर आप इसे घर पर रेस्टोरेंट जैसे तैयार कर सकते हैं तो वक्त किए बग़ैर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले अहम मसाले तैयार कर लेते हैं जो कबाब को खुशबूदार और जायके को बढ़ाएंगे जिसमें टू टेबल स्पून भुना हुआ साबत सूखा धनिया सात अदद साबत गोल लाल मिर्चें तीन से चार अदद दालचीनी के टुकड़े वन टी स्पून कबाब चीनी वन टी स्पून भुनी हुई सौंफ वन टेबल स्पून भुना हुआ सफेद जीरा चार से पांच अदद पिलपली छोटे साइज में इन मसालों को ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे मसालों को ग्राइंड कर लिया है मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अब इसमें वन टीस्पून स्पून खशखाश टू टेबलस्पून भुने हुए चने डालकर दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद ये देखें ये फाइन पीस क्या है इसी तरह का पिसा होना चाहिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे फिर सात बोनलेस चिकन जिसमें 500 ग्राम ब्रेस्ट और 250 ग्राम थाई का गोश्त है थाई का गोश्त डालने से कबाब नरम बनेंगे अगर आप सारा ब्रेस्ट का गोश्त यूज़ करेंगे तो वो ना सिर्फ ड्राई बनेंगे बल्कि सख्त भी हो जाएंगे अब इसको चॉपर में डाल देंगे दो से तीन मिनट चॉपराइज़ करेंगे दो से तीन मिनट के बाद अब इसमें दो बड़े अनियन लेकर कद्दूकश कर करके इसमें से पानी निकाल लिया है इसमें डाल देंगे ये अदरक लसन और हरी मिर्चों का पेस्ट है जिसमें पांच से छ अदर लसन के जवे एक इंच अदरक का टुकड़ा और चार से पांच हरी मिर्चें जिनको इकट्ठा डालकर कूट लिया है इसमें डाल देंगे टू से थ्री टेबलस्पून हरा धनिया वन टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर वन टीस्पून नमक हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर वन टी स्पून चाट मसाला पाउडर फिर ग्राइंड किए हुए मसाले वन बाय फोर टी स्पून तिखा कलर वन टेबल स्पून दही ही वन टीस्पून स्पून कसूरी मेथी डालकर इसको चौपराइज कर लेंगे जब तक तमाम अज्जा मिक्स ना हो जाए तकरीबन तीन से चार मिनट पहले स्लो टू हाई स्पीड पर इसको चॉपराइज करेंगे तीन से चार मिनट के बाद ये देखें जबरदस्त कबाब का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है ये देखें जरा सा भी हाथ के साथ चिपक नहीं रहा ये बिल्कुल रेडी है आप इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे फिर इसको कोयले का धुआं देंगे कोयले का धुआं सिर्फ बीस से तीस सेकेंड तक दें अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के बाद यहाँ तवा गर्म हो रहा है तब तक हम सीख पर कबाब लगा लेते हैं कबाब लगाते हुए हाथों पर पानी या ऑयल लगा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे पानी यूज कर रही हूँ रेस्टोरेंट वाले भी ज्यादा पानी ही यूज करते हैं सीख पर इस तरह से कबाब लगाएंगे नीचे और ऊपर से अच्छी तरह बंद कर देंगे बंद करने के बाद अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ सर्कल बनाकर इस पर निशान बना लेंगे इस तरह से ये निशान कबाब पर बहुत खूबसूरत लगते हैं अब ये सीख बिल्कुल तैयार है अब तवा भी गर्म हो चुका है तवे पर चार से पाँच टेबल स्पून ऑयल डालेंगे फिर इस पर सीख रखेंगे दस से पंद्रह सेकेंड के बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे अगर आपके पास सीख नहीं है तो कोई मसला नहीं आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं जब तक ये कुक होता है मैं स्टिक पर कबाब लगाना बताती हूँ ये देखें कबाब लग गया है अब इसको भी तवे पर रख देंगे और ये देखें ज़बरदस्त कुक हो क्या है और आप इसको सीख से उतार लेते हैं कबाब को उतारते हुए कोई भी रुमाल या कोई टिश्यू वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं कबाब के ऊपर रखेंगे और हल्का सा दुबा कर नीचे की तरफ इसको धकेलेंगे ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ इसी तरह बनाते जाएंगे और उतारते जाएंगे बनाकर फिर डिश आउट करते हैं ये स्टिक वाला स्टिक वाला माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं आपने ओवर कुक नहीं करना ये कीमा होता है इतना फाइन पिसा होता है ये हीट से ही पक जाता है आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि पकाते रहना है और इसको ओवर कुक नहीं करना है आपने वो ड्राई हो जाते हैं और खाने में टेस्ट भी नहीं आता कबाब बिल्कुल रेडी हैं इसको डिश आउट करते हैं इसको रायते के साथ सर्व करेंगे ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी चैनल से आसान से आसान रेसिपी गेट कर सकें अपना ख्याल रखिए हमेशा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़